हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। आज मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस करने सिखाने वाला हूँ। किसके रिगार्डिंग? चेंज इन पीएसआर के रिगार्डिंग। प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाना ये हम लोगों ने सीखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब का ट्रीटमेंट हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट में कैसे करेंगे हम लोगों ने ये सब सीखा, ठीक है। फिर प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना, बैलेंस शीट कैसे बनाना, ये सब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज को हम लोग ये सीखेंगे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, उसी क्वेश्चन से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे एंड बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि तुम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट के रिगार्डिंग कभी भी कोई क्वेरी फेस करना ना पड़े, ठीक है। अभी देखो, जितना भी हम लोगों ने छोटे छोटे एडजस्टमेंट किया है, ये बस ये बड़ा क्वेश्चन में सबका सब यूज होने वाला है। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन, छोटा मोटा एडजस्टमेंट होता ना, ये एक बड़ा क्वेश्चन का क्या होता है, एक बड़ा क्वेश्चन का बस एक इंग्रेडिएंट्स है। जैसे कि बिरयानी, लेट्स सपोज एक बिरयानी बनाना, लेट्स सपोज क्या होता है, बिरयानी बनाना, ठीक है। तो बिरयानी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स पहले जुगाड़ करना पड़ता है ना, ठीक है। उसी तरह बड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को छोटा छोटा क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट सीखना पड़ता है। फिर सब सीखने के बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में तुम लोग को पहले सबसे पहले समझा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेरे बुक का 35 है, ठीक है, जो मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ, जिसमें से ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, इन्हें फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों के बीच क्या 3:2:1 है, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2027 एज अंडर देके रखा हुआ बैलेंस शीट है, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख रुपीज का, जनरल रिजर्व पे 1,20,000, कैपिटल एबीसी का देके रखा हुआ है, प्रीमिशेस 3 लाख है, मशीनरी 1,80,000 है, स्टॉक 1,20,000 है, डेटर्स 250 है एंड बैंक कितना है तुम्हारा 20,000 है, ठीक है। फ्रॉम द 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2017 में पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि अब हम लोग के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 4:3:3 में होगा। मतलब ये तुम्हारा न्यू ओल्ड रेशियो होगा, ये कौन सा रेशियो ओल्ड, तो ये रेशियो कौन सा बन जाएगा दोस्तों, ये होगा न्यू रेशियो, ठीक है। एंड मेक दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और कुछ कुछ एडजस्टमेंट देकर रखा, जिसमें से प्रीमिशस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक बाय 10,000, प्रोविजन फॉर डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बोला 4%, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर रिड्यूस कितना हुआ 15,000, मशीनरी कितना हुआ 5% डेप्रिशिएट हुआ है, और गुडविल ऑफ द फर्म कितना 48,000। ये क्वेश्चन देके रखा हुआ, इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में तुम लोग को मैंने याद ही होगा, मैंने तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना सिखाया हुआ है, मैंने जो स्टेप सिखाया उसी स्टेप को फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे हम लोग कंप्लीट करने के। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, हालांकि मैंने एक बार पढ़ा लेकिन तुम लोग दो बार पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितना भी ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये कौन सा ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट वाला आइटम को हम लोग क्या करेंगे न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे, और कौन सा कॉलम है इनर कॉलम है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को ये करना, ठीक है, जिससे कि हम लोग का आइटम छोटे करने। सबसे पहले प्रीमिशस है ना, तो प्रीमिशस देखो ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये न्यू, ये हम लोग का न्यू बैलेंस, वो ओल्ड बैलेंस है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे प्रीमिशस, प्रीमिशस कितना का है तुम्हारा 3 लाख रुपीज का, प्रीमिशस डाल दो 3 लाख रुपीज, ठीक है, प्रीमिशस हो गया 3 लाख रुपीज। फिर से तुम्हारा स्टॉक, फिर मशीनरी, जगह छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेट्स गो, ठीक है। मशीन कितना, मशीनरी हम लोगों का, हम लोगों का मशीनरी है 1,80,000 का, ठीक है। उसके बाद के स्टॉक, स्टॉक लिखना, स्टॉक कितना का है, स्टॉक हो गया तुम्हारा 1,20,000 का। स्टॉक होने के बाद हम लोगों का चाहिए डेटर, डेटर कितना का है 2,50,000, ये लिख देना। फिर नेक्स्ट बैंक, बैंक लिख देना कितना का है 20,000, ये सब हो गया, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। इवन हम लोगों का सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ओल्ड बैलेंस किया, टोटल आइटम मतलब एसेट वाला टोटल आइटम लिख लिया, आप लाइबिलिटी वाला आइटम लिखेंगे। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर को नीचे डालो, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर हम लोग का 2 लाख रुपीज, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया 2 लाख। जनरल रिजर्व, देखो जनरल रिजर्व कहाँ पे जाता है दोस्तों, कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है,
कैसे, और हम लोग जनरली इसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, यहाँ पे बांट दो डायरेक्ट बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो 1,20,000 है ना, 1,20,000 को हम लोग 3:2:1 के रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, याद रखना ठीक है। इसको 1,20,000 को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे 1,20,000 को हम लोग 3:2:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ठीक है। 3:2:1 में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ठीक है। तो हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पे होगा 60,000 ठीक है, यहाँ पे होगा 40,000 और यहाँ पे होगा तुम्हारा 20,000 ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 1,20,000 को 3:2:1 में क्या कर दिया, ए बी सी में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है। फिर देखो कैपिटल, कैपिटल को हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना कैपिटल में होगा, 3 लैक्स, पहले क्या 3 लैक्स, फिर है तुम्हारा 1,50,000, फिर नेक्स्ट कितना तुम्हारा 1 लैक। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने ओल्ड बैलेंस का टोटल आइटम बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल में हम लोगों ने डाल दिया। क्या इसमें से कोई भी एक भी आइटम स्किप हुआ, कभी भी एक भी आइटम स्किप नहीं होगा और तुम लोग का आंसर वन टाइम एक बार में निकल के आ जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस शीट रिवल्यूशन सब में डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे ठीक है। सबसे पहले क्या है तुम्हारा प्रीमिसेस, क्या है दोस्तों प्रीमिसेस कितना परसेंट एप्रिशिएट हुआ है, 10%। प्रीमिसेस कितना परसेंट एप्रिशिएट हुआ है, 10%। देखो प्रीमिसेस क्या होता है, एसेट्स होता है, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ है। एसेट क्या हुआ दोस्तों, एसेट इंक्रीज। तो एसेट इंक्रीज होने से रिवोल्यूशन के किस साइड में जाता है, तो एसेट इंक्रीज होने से रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में हो जाता है, याद रखना बाय प्रीमिसेस। अगर तुम लोगों को रिवोल्यूशन अकाउंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरा प्रीवियसली वीडियो जाके देखो ठीक है। प्रीमिसेस अकाउंट कितना है तुम्हारा, प्रीमिसेस, प्रीमिसेस है 3 लाख, 3 लाख का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10%। तो मतलब हो जाएगा तुम्हारा 10,000 से प्रीमिसेस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब इंक्रीज एसेट इंक्रीज होने से रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में। फिर हो गया नेक्स्ट प्रीमिसेस, स्टॉक कितना से इंक्रीज हुआ है, 10,000 से, तो बाय लिखो, बाय स्टॉक कितना, 10,000 हो गया, स्टॉक हो गया ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना, डेटर पर प्रोविजन कितना बनाना, 4%। प्रोविजन एक लाइबिलिटी क्रिएट होता है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ने से रेगुलेशन के डेबिट साइड में, याद रखना हाँ। तो क्या लिखना, प्रोविजन ओ डीडी मींस डाउटफुल डेट्स, 2,50,000 का है ना डेटर, इसका करना 4%, इसका हो जाएगा 4% अराउंड तुम्हारा हो जाएगा 10,000 एक देना 10,000, ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का। ये नेक्स्ट क्या तुम्हारा सन्ड्री क्रेडिट रिड्यूस हुआ है, देखो लाइबिलिटीज रिड्यूस होने से रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी घटने से क्या होता है रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में। अगर ये इंक्रीज एंड डिक्रीज प्रॉब्लम हो रहा था मेरा, प्लीज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला रिवोल्यूशन अकाउंट देखो, जिसमें तुम लोग को समझ में आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे बाय क्या होगा तुम्हारा, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना हो जाएगा तुम लोगों का, 15,000 से रिड्यूस हुआ है, 15,000 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है, मशीन डेप्रिशिएट मतलब मशीन का वैल्यू घटा है, घटने से एसेट घटने से रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में, तो मशीनरी कितना परसेंट घटा है, 5%। हम लोग का मशीनरी है कितना, 1,80,000, 1,80,000 का हो जाएगा 5/100, तो 1,80,000 का हो जाएगा 5/100 हमारा 9,000, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 9,000, ये हो गया हम लोग का। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट पर कुछ बचा है क्या, हाँ गुडविल ऑफ द फॉर्म, इसका बाद में ट्रीटमेंट देगा, गुडविल ऑफ द फॉर्म, देखो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना, 48,000 है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग, याद ही होगा तुम लोग को क्या होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो। देखो मैंने क्या निकाला, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस निकाल के रखा हुआ है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड से न्यू को माइनस कर दो। तो ओल्ड रेशियो हम लोग का 3:2:1 है, देखो ये ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, न्यू रेशियो क्या है, 4:3:3 है, ये है। इसमें से देखो ए बी सी का मैंने क्या निकाल के रखा हुआ है, सेक्रीफाइस निकाला, ये सब मैंने निकालना सिखाया हुआ है। अगर तुम लोग इसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम हो तो प्रीवियसली वीडियो में जाओ, पहले देखो कैसे क्या करना है, कैसे हम लोगों को सेक्रीफाइस गेन निकालना है, फिर आओ तो ज्यादा समझ में आएगा तुम लोगों को ठीक है। तो
हम लोगों ने सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के रखा हुआ, ए का सेक्रीफाइस है 3/10, बी का है 1/30 एंड सी का है 4/30। इसका फॉर्मूला सिंपली होता है ओल्ड से न्यू का माइनस कर देते। ओल्ड रेशियो क्या है 3/6 है, 3/6, न्यू क्या है 4/10, तो 4/10 हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने निकाला। और जो भी गुडविल होता है उसे क्या करते हैं हम लोग, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे। देखो यहाँ पे गेन कौन हो रहा है, यहाँ पे पार्टनर गेन सी गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर को हम लोगों ने डेबिट किया और ए और बी को क्या किया हम लोगों ने क्या किया क्रेडिट किया हुआ है। और 48,000 देखो 48,000 है ना, तो इसे किस रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, सेक्रीफाइस रेशियो में हम लोगों ने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किया, गेन रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सी तो गेन हो रहा है, तो देखो सी का गेन रेशियो कितना निकला 4/30, तो 48,000 जो गुडविल है उसको 4/30 में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 6400 होगा। ठीक है ठीक है, फिर 6400 हो गया। फिर ए का तुम्हारा 3/10, तो ए का देखो 48,000 का 3/10 तो 1600 मतलब 1600 होगा तुम्हारा। सी का कितना होगा तुम्हारा, सी का तो गेनिंग है, बी का कितना है तुम्हारा 1/30 मतलब सॉरी मैंने ए को, ए का होगा तुम्हारा 4800 एंड सी का होगा तुम्हारा 1600, मैंने उल्टा ही बता दिया, ए का 4800 एंड सी का तुम्हारा 1600, ये था तुम्हारा गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो वाला। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने कर लिया। देखो अब देखो सिंपल सा बात है, सी क्या हो रहा है, सी क्या हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है, तो हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में, आएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे 2A एंड 2B, क्या लिखेंगे 2S कैपिटल, ये भी हम लोग खत्म ही कर देते हैं 2B कैपिटल। इस तरीके से करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो S कैपिटल 2B कैपिटल कितना होगा हम लोग, आप वैल्यू किस में लिखेंगे, हम लोग सी में लिखेंगे, सी ए का ए ने कितना दिया 40 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ए और बी क्रेडिट हो रहा है, तो आएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे क्रेडिट साइड में, तो हम लोग आगे पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। आप पैसा किस में लिखेंगे, किस में ए और बी में, ए में कितना 4800 एंड बी में कितना 1600, ये हो गया। फिर अब ये करने के बाद अभी देखो एक भी आइटम छूटा है, अभी तक एक भी आइटम छूटा नहीं था। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे तो यहाँ पे होगा 55,000 हो जाएगा, यहाँ पे भी 55,000, यहाँ पे होगा क्या 2, यहाँ पे 10,000 में से 55,000 10,000 माइनस करेंगे, 9,000 माइनस करेंगे तो 36,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन, एक पूरा लिख लेना टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे ए बी एंड सी, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में, कौन सा रेशियो ओल्ड रेशियो मीन्स 36 मल्टीप्लाई बाय 3/6 तो हो जाएगा 18,000। ठीक है, फिर 36 मल्टीप्लाई बाय 2/6 तो इसका हो जाएगा तुम्हारा, इसका हो जाएगा तुम्हारा 12,000 और सी का हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 6,000। ठीक है, तो देखो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो आएंगे प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसे पार्टनर्स में डिस्ट्री दे देंगे, यहाँ पे होगा 18,000 12,000 एंड 6,000। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का एक भी आइटम छूटने वाला नहीं है, एक भी आइटम हम लोग का छूटेगा नहीं, हम लोग पूरा प्रॉपर वे में सभी आइटम हम लोगों ने जगह में फिलअप कर दिए। अब देखो ये हो गया, फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल, इसका टोटल करो कितना होगा, इसका टोटल करो, इसका टोटल हो जाएगा 3,82,800, इसका होगा 3,82,800, इसका होगा 2,03,600। ठीक है, जगह कॉमन होने के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे होगा 1,26,000, सेम इधर में मेरा ज़्यादा इधर में कम है। ठीक है, तो जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले सेम यहाँ पे भी हम लोग वही वैल्यू लिख देंगे 3,82,800, यहाँ पे होगा तुम्हारा 3,02,600 होंगे और यहाँ पे होगा 1,26,000, कितना हो जाएगा दोस्तों 1,26,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग 2
बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अब हम लोग यहाँ पे होगा वैल्यू 3828003, 8280, 8800। यहाँ पे होगा 2036600, ये 2 है, 2036002 ये 2 है, हाँ याद रखना ये 2 है। और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1196W। इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोगों ने क्या किया, खत्म किया। अब याद है मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर टू बैलेंस शीट ही होगा तो ये न्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। मतलब यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, न्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखो, यहाँ पे लिखो क्या लिखना हम लोगों का, कैपिटल अकाउंट। एक कैपिटल होगा ना, कैपिटल होगा किसका, ए का, बी का एंड सी का। ए का कैपिटल होगा 3828000, इसका होगा 2036000, ठीक है, इसका होगा 1196000, ठीक है। इस तरीका से हम लोग क्या किया, हम लोगों ने सब कुछ लाइन बाय लाइन क्या किया, नोडन कर लिया, ठीक है। इसे प्लस करके बाहर कर दो इसको, प्लस अभी रखो एक मिनट, ये तो हो गया। अब देखो ये सब करने के बाद, अब मैंने तुम लोगों को सिखाया था रिवोल्यूशन में जो भी आइटम होगा वो भी क्या होगा, एडजस्ट होगा किस में, बैलेंस शीट में। देखो प्रीमिसेस, देखो अगर कोई आइटम रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में है तो एसेट में, एसेट में क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, एसेट के साथ क्या होता है, एड होता है। यहाँ पे लिखना प्लस करना रिवोल्यूशन अकाउंट, क्या अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, कितना प्लस करना है 30,000, कितना प्लस करना है दोस्तों 30, तो यहाँ में हो जाएगा 3,30,000। मैंने तुम लोग को बताया था ना कि देखो बैलेंस शीट में कौन सा आइटम प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, अगर कोई आइटम मतलब एसेट, क्या सुना, एसेट अगर रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में है, अगर एसेट रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एसेट के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एसेट के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखो मैंने एसेट के साथ प्लस किया, ठीक है। फिर मशीनरी, नेक्स्ट है मशीनरी, देखो मशीनरी क्या है, रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में, सॉरी रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में, तो जो आइटम मतलब जो एसेट रिवोल्यूशन के डेबिट में होता है वो एसेट के साथ क्या होता है, माइनस होता है। मतलब क्रेडिट वाला आइटम एसेट के साथ प्लस होगा और डेबिट वाला आइटम एसेट के साथ माइनस होगा। तो जो हम माइनस करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, सब में लिखना रिवोल्यूशन अकाउंट, क्या, क्योंकि वैल्यू कहाँ से है, रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट कितना से मशीनरी घटा है, 9,071 हो गया। तीन स्टॉक, स्टॉक बढ़ा है प्लस कर दो, कितना 10,000 से स्टॉक बढ़ गया, प्लस रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यू सब में रिवोल्यूशन ही लिखना, ठीक है, प्लस 10,000 स्टॉक हो जाएगा हम लोगों का 30,000, ठीक है। फिर डेटर, देखो डेटर में, देखो डेटर में प्रोविजन क्या हुआ, घटा है ना, तो देखो डेटर, देखो डेटर है ना, प्रोविजन क्या हो रहा है, इंक्रीज होने लाइबिलिटीज पर आता है डेटर्स, हम लोग प्रोविजन क्या करेंगे घटा देंगे, तो डेबिट वाला आइटम माइनस ही होता है, ये माइनस है, हाँ याद रखना दोस्तों ये माइनस है, माइनस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन रिवोल्यूशन कितना माइनस करेंगे दोस्तों हम लोग, माइनस करेंगे 10,000, डेटर से 2,40,000 ये हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया 40। फिर देखो लाइबिलिटी घटा है, देखो लाइबिलिटी अगर क्रेडिट में हो तो हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड से माइनस कर देंगे, अगर लाइबिलिटी डेबिट में हो तो लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे सैलरी क्रेडिटर, ठीक है, कितना माइनस करेंगे सैलरी क्रेडिटर 15,000, तो 15,000 माइनस करेंगे तो 185 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 185 हो गया, 185, ठीक है। और अभी तो कोई आइटम ऐसा है कि छूट गया, तो ऐसा कोई भी आइटम कभी भी इस तरीके से करोगे तो ऐसा कोई भी आइटम नहीं होगा जो स्किप होने वाला है, टोटल का टोटल आइटम क्या होगा तुम्हारा हो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा गलत होने, मतलब आंसर तुम्हारा गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। फिर इस कैपिटल को तीनों को जोड़ो प्लस करो तो कितना होगा 706000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर मैंने एक और बताया था केस के रिगार्डिंग, केस और बैंक के साथ जो भी, देखो केस, केस के साथ क्या होता है, अगर केस, अगर केस या बैंक पार्टनर्स कैपिटल अगर क्रेडिट में हो या रिवोल्यूशन के क्रेडिट में हो तो केस के साथ प्लस करते हैं, मतलब बैंक या केस बोलो, ठीक है। अगर केस या बैंक रिवोल्यूशन के डेबिट में या पार्टनर्स कैपिटल का उनका डेबिट में तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, केस के साथ माइनस कर देंगे, बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पे कोई भी केस का आइटम नहीं है तो हम लोग ये क्या करेंगे, बैंक जितना है मेरा उतना ही हम लोग क्या कर देंगे, इससे पूरा का टोटल बाहर लिख देंगे, मतलब 20,000, ठीक है,
हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसे सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो 891000, फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी कितना होगा 891000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का एक भी आंसर छूटेगा, एक भी एडजस्टमेंट छूटने वाला नहीं है। टोटल का टोटल एडजस्टमेंट क्या होगा, हम लोग का नोट डाउन हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 130000 होगा, 120 प्लस 10, 130000 हो जाएगा, 240। इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का रिवोल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें कंप्लीट बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल रिवोल्यूशन अकाउंट मैंने तुम लोगों को बनाने सिखाया, ठीक है। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, ठीक है, जहां पे मैं तुम लोगों को चेंज इन पीएसआर के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि और तुम लोगों का पीएसआर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज गाइज लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।